हम रहे साधना मित्र का खास शो एस्ट्रोलॉजी की बात आचार्य लवभूषण के साथ। आज का विषय है हमारा कानून। देखिए एस्ट्रोलॉजी में करियर, बिजनेस, व्यापार इन सब के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष हमारी मदद करती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते हैं। उनके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ज्योतिष जो है हमें कानून यानी कि कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में भी मदद करती है, प्रभाव डालती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन पर विश्वास नहीं करते हैं और नहीं जान पाते हैं कि क्या ज्योतिष भी इस पर हमारे प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि बिजनेस, करियर, शादी इन सब में ज्योतिष बहुत अच्छे से हमें जानकारी देती है। लेकिन कानून की जब बात आ जाती है तो थोड़ा सा लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, थोड़ा सोच विचार में पड़ जाते हैं कि क्या ज्योतिष विद्या हमारी यहाँ भी मदद कर सकती है। तो स्वागत है आप सभी का, साथ ही स्वागत है आचार्य जी आपका भी इस शो में और आज के इस विषय के बारे में जानकारी देने की। जी पूजा जी, मैं बताना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम कानून के बारे में, लीगल के बारे में, कोर्ट केस के बारे में, पुलिस के बारे में भी जान सकते हैं। कि मैं आपको यहाँ तक बताना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी डेट होती है तो हमें जेल होगी, या जहाँ तक ये जानना चाहता है कि हमें जेल होगी या बेल होगी, तो भी हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम जान सकते हैं। इसमें दो तरीके हैं, कुछ लोगों के पास अपनी परफेक्ट डेट ऑफ बर्थ होती है और कुछ लोगों के पास परफेक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। तो हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से, एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है होरेरी के माध्यम से, या फिर उसके जन्म जातक की जन्म कुंडली यदि उसके पास एक्यूरेट टाइम है तो उसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि जातक कानून के विषय में हमसे क्या जानना चाहता है और हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा सिक्स हाउस होता है, जो छठा भाव होता है, वो रोग, ऋण और शत्रु का होता है। यदि छठे हाउस का संबंध इलेवंथ हाउस से बन जाता है तो जातक ऐसे केस में देखा गया है कि कोर्ट केस, कानून केस, पुलिस केस मोस्टली जीता है। और यदि छठे का संबंध आठवें घर से या बारहवें घर से बन जाता है तो ऐसे जातक को पनिशमेंट भी मिलती है और अक्सर देखा गया कि उसको जेल जाने के योग भी होते हैं। तो आचार्य जी, हमारे दर्शक सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ज्योतिष विद्या हमें कैसे संकेत देती है कि कोर्ट कचहरी के मामले में हमें इस प्रकार की दुविधा होने वाली है या इस प्रकार का लाभ होने वाला है। ज्योतिष विद्या कैसे हमें संकेत दे सकती है इसका? जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास ना कुछ दशाएं चलती हैं, अंतर दशाएं चलती हैं, फिर गोचर चलता है। जब भी सूर्य के ऊपर से राहु का गोचर हो या राहु के ऊपर से सूर्य का गोचर हो, जिसे अच्छा गोचर, अच्छा संकेत नहीं माना गया है, और सूर्य के ऊपर से शनि का गोचर हो उसे भी अच्छा संकेत नहीं माना गया है, ये हमें कहना कि लीगल चीजों में फंसा देते हैं। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि उससे पहले की प्रॉमिस होना चाहिए कि आप लीगल में फंसोगे या नहीं फंसोगे। जैसे किसी भी दशा चल रही है या किसी की भी अंतर दशा चल रही है तो वह यदि 3, 8, 12, देखिए 4 नंबर जो हाउस होता है हमारे घर का होता है और घर से दूर जाने का जो भाव है वो 3 नंबर हाउस है और 3 नंबर डॉक्यूमेंट का भी हाउस है। डॉक्यूमेंट क्या हो गया? एफआईआर कभी जब भी होगी जब 3 नंबर हाउस आपका एक्टिवेट होगा। और 8 नंबर हाउस, 8 नंबर हाउस पुलिस स्टेशन का है, 8 नंबर हाउस पनिशमेंट का है, 8 नंबर हाउस जजमेंट का है। और 12th नंबर हाउस जेल का है या घर से बहुत दूर जाने का है। तो यदि कोई दशा या अंतर दशा आपको 3, 6, 8 और 12 देती है तो इसका मतलब है कि आप किसी न किसी कानूनी में उलझन में, पड़पेच में फंस सकते हैं। अभी मेरे पास को बहुत सारे पुलिस वालों के या बहुत सारे ऐसे लोग जो इलीगल का काम करते हैं उनके मैं केस देखता हूँ तो उन्हें बताता हूँ कि आप इन समय आप थोड़ा सा बच के रहिए या आपको थोड़ी सी ये समस्या का समाधान करना है क्योंकि आपके ऊपर 3, 6, 8, 12 जो दशा है वह भी आपको 3, 6, 8, 12 दे रही है। जब भी कोई दशा या अंतर दशा 3, 6, 8, 12 सिग्निफिकेंट दे तो उसका मतलब ये है कि सामने वाला कानूनी पड़पेच में फंस सकता है। और जब ये तो प्रॉमिस हो गया, और एग्जीक्यूशन कब होगा? एग्जीक्यूशन तब होगा जब राहु का और सूर्य का और शनि का गोचर इनके ऊपर से होगा। जानकारी दी, लेकिन अधिकांश तौर पर देखा जाता है कि कई लोग जो है इतना जानते हैं कि ज्योतिष हमारी शादी में, हमारे करियर में, हमारे बिजनेस में, हमारे ग्रह में, इन सब में बहुत अच्छे से हमारे मतलब हमारी जिंदगी पर प्रभाव डालता है, ये सब बहुत अच्छे से बता सकता है। लेकिन क्या हम ज्योतिष के अनुसार मतलब हम मुकदमे जीतेंगे या कोर्ट केस में हमें कैसे मतलब कि आगे आने को या फिर इससे बचने का उपाय मिलेगा, इसके बारे में कैसे पता चलता है? देखिए जो कोर्ट है, जो जजमेंट, जो गवर्नमेंट है उसे हम सूर्य ग्रह से देखते हैं, जो कोर्ट का केस है उसे हम राहु से देखते हैं, जो आपकी उलझन है लाइफ में उसे हम राहु से देखते हैं।
और जो जजमेंट है, जो जज वहां पे जो जज बैठा हुआ है उसे हम शनि से देखते हैं। यदि आपका केस बहुत लंबा चला रहा है, पिछले 5 से 6 साल से चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं और आपका केस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि जब भी राहु आपका खराब होता है तो वो केस को बहुत लंबा खींचता है, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है और आपके फेवर में डिसीजन नहीं आता। और केतु का काम क्या है कि किसी भी जातक को न्याय दिलाना, उसको फटाफट डिसीजन को लेकर आना। तो यदि आपकी लाइफ में केतु अच्छा है और केतु भी अच्छा नहीं है तो आपको डिसीजन अच्छा नहीं मिलेगा। तो केतु अच्छा है तो आपको तुरंत आपके फेवर में भी चीजें होंगी और आपको डिसीजन भी मिलेगा। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि जेल जाने का योग, यदि आपका जो दशा अंत दशा है वो 3, 8, 12 दे रही है तो ये आपका जेल जाने का योग है। और छठा घर भी आपकी फेवर में नहीं है और छठे घर का लोड भी या तो 8th हाउस में बैठा हुआ है या 12th हाउस में बैठा हुआ है या जाकर तीसरे घर में जाकर बैठा हुआ है। तो अभी ऐसा देखा गया है कि जातक को कानून से संबंधित पड़पेचों में सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम है। अब इसमें बचा कैसे जा सकता है, इसमें इसमें एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। तो देखो, एक तो मैं साधना जी पूजा जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक तो जो उपाय होते हैं वो कैसे काम करते हैं। उपाय कहीं भी 100% गारंटेड नहीं है कि वो आपके लिए काम करेंगे ही करेंगे। मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी एक गाइड है, एस्ट्रोलॉजी एक कोचिंग के रूप में काम करती है जो आपको बताती है कि आपके साथ जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन लास्ट जो निर्णय है वो भगवान का ही होता है, वो गॉड का ही होता है। हम उपायों के माध्यम से उन्हें सिर्फ एक, जिसे अपने आज की लैंग्वेज में कहें कि हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यदि हम ये कुछ कर रहे हैं या हमसे कुछ जानने अनजाने में कुछ भूल हो गई है तो कृपया हमें माफ कीजिए, तो आप हमें उसे बचाने के दीजिए। लेकिन बचाना ना, लास्ट का जो डिसीजन है वो गॉड का ही है। हाँ हाँ, ऐसे कुछ शक्तिशाली ऐसे कुछ उपाय भी होते हैं जिसमें गॉड को कभी कभी मानना ही पड़ता है कि आज मैं बच्चे की आपकी सुन लेता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम तुम ये काम मत करना, आज मैं तेरे को बचा। तो ये इस तरीके के कुछ उपाय प्रभावशाली उपाय भी होते हैं, कुछ रूटीन के उपाय भी होते हैं। तो उसमें अलग अलग तरीके की पूजाएं होती हैं, अलग अलग तरीके के कुछ डोनेशंस होते हैं या कुछ काम करने होते हैं, वो काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, 3rd, 6th, 8th और 12th ये 4 हाउस ऐसे हैं यदि आपके पीड़ित हैं और ये आपकी दशा में सिग्निफिकेंट दे रहे हैं और सूर्य शनि और राहु आपकी फेवर में नहीं है तो ऐसा कुछ हो सकता, तो आप लीगल परपेचों में फंस सकते हैं। और इसे निकलने के लिए इन्हीं ग्रहों के और इन्हीं भावों से संबंधित हमें उपाय करने पड़ते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्य तौर पर कौन सा ग्रह हमें हराता है और कौन सा ग्रह हमें जितवाता है, तो ये कौन से ग्रह है जिनका हमें प्रभाव देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा कौन सा ग्रह हमें जीतने और हारने को मजबूर कर देता है। देखिए, बहुत बड़ी बात की आपने। मैंने आपको बोला कि जब राहु ग्रह होता है या किसी भी केस को उसका काम है लंबा खींचना। आपने देखा ना, बहुत सारे केसेस हैं कोर्ट में चल रहे होते हैं, वो 10-10 साल 12-12 साल 15-15 साल वो कोई जजमेंट में पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो राहु का काम है किसी भी टाइम की ड्यूरेशन को बढ़ाना। यदि आपका काम किसी कोई भी काम आपका नहीं हो रहा है कोर्ट केस के माध्यम से, वो लंबाई खींचता जा रहा है, इसका मतलब आपको राहु से संबंधित उपाय करने पड़ेंगे। राहु से संबंधित आपको कुछ ना कुछ पूजा करवानी पड़ेगी या राहु देवता को आपको मनाना पड़ेगा। और कुछ केसों में आपने देखा होगा कि फास्ट ट्रैक अदालत बैठ जाती है, काम भी तुरंत हो जाते हैं, आज केस लगाया 6 महीने में केस का निपटारा हो गया। इसका मतलब केतु देवता आपके फेवर में बैठा हुआ है। और केतु देवता, यदि आप चाहते हैं कि आपका केस बहुत जल्दी निपटे तो आपको केतु देवता की पूजा करनी पड़ेगी। केतु का मतलब एक हमें स्ट्रीट डॉग से भी कहते हैं। यदि हम स्ट्रीट डॉग को या फिर सरसों का तेल लगाकर उसे चपाती या बिस्कुट कुछ खिलाते हैं तो ऐसा भी देखा गया है कि हमारे शत्रुओं का नाश होता है। अब कोर्ट केस के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर ये भी देखा गया कि जिसको कोर्ट केस के चक्कर बार बार लगाने पड़ते हैं तो वह कोर्ट में जाए और वहां बैठकर वहां की कैंटीन की चाय पिए या कचौरी या कुछ भी खाता है तो भी उसके कोर्ट केस के जो चक्कर हैं उसके लगने कम हो जाते हैं। और अक्सर यह भी देखा गया है कि यदि वो आपके कोर्ट के पानी कोर्ट केस में जाकर वहां के कैंटीन का पानी पिए, कैंटीन का पानी पीने का स्टाइल उसको इस तरीके से होना चाहिए कि वो इस तरीके से पानी पी के आए, ना कि वो बोतल से पानी ऊपर से पी कर आए, इस तरीके का पानी पी कर आता है। और वहां के जो कोर्ट केस के आसपास के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें को बिस्किट या कुछ इस तरीके की चीजें खिलाता है तो भी उसको कोर्ट केस में जीतने में उसको मदद मिलती है या उसके शत्रु खत्म होते हैं। तीसरा यह भी बताया गया है कि यदि जब भी आप कोर्ट केस में आपकी तारीख होती है तो एक ब्लैक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप टॉयलेट में फ्लश कर देते हो तो भी आपके जो कोर्ट केस के चक्कर भी आप कम पड़ते हैं या तारीखें आपकी फेवर में होने लगती है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। या फिर आप एक ब्लैक कलर का पेन अपने एडवोकेट को, इंक वाला पेन, फाउंटेन पेन जिसे कहते हैं, कि वो भी आप अपने एडवोकेट को गिफ्ट कर देते हो तो आपका केस उसी पेन से लिखता है तो कहीं ना कहीं चीजें आपकी फेवर में होना शुरू हो जाती हैं।
इस तरीके से ये तो छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं, इसके ऐसे वो बहुत सारे उपाय हैं जो जाता है कि पर्सनल उसकी व्यक्तिगत कुंडली देख के ही बताए जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। ये कॉमन उपाय हैं जो जिसे हमें कोई भी जातक अपने कुंडली में यदि कानूनी परिवेक्षा में फंसा हुआ है तो वह कर सकता है। बिल्कुल आचार्य जी, ये तो आपने कोई भी कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से बचाव के उपाय बताए। साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से राशि वाले जातक होते हैं जिन्हें इस प्रकार के मामलों में फंसाया जाता है या फंस जाते हैं। जी देखिए, इसमें ऐसा क्या होता है कि वृश्चिक राशि और मीन राशि ये लोग ऐसे लोग हैं, या फिर चार नंबर राशि, क्योंकि ये मोक्ष की राशियां हैं। ये लोग ना एक्चुअली, जब मैंने आपको बताया ना, ये मोक्ष की चार, आठ और बारह ये मोक्ष की राशियां हैं। इन लोग, मैंने अक्सर देखा है कि जितने मेरे पास केस आते हैं इन राशियों के लोग इन केसों में ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि आठ नंबर वृश्चिक राशि ये लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बड़ा रिस्क लेने का शौक होता है, वो अपना कोई भी काम करते हैं बड़ा करते हैं, उन्हें छोटा काम करना पसंद ही नहीं है। और बारह नंबर के लोग भी मैंने अक्सर ऐसे देखा है, राशि मीन राशि के लोग भी अपनी अपनी लाइफ में कानूनी पड़पिचों में कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। यदि वो कानूनी में नहीं फंसे रहेंगे तो पंचायतों में उलझे रहेंगे। पंचायतें जो होती है ना, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पंचायतों के माध्यम से भी केस उलझाते हैं या किसी ना किसी कॉन्ट्रोवर्सी में ये ऐसे लोग फंसे रहते हैं। इसमें एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि राशि के अलावा भी यदि छठे हाउस में चार नंबर राशि, आठ नंबर राशि, हुई है चार नंबर का राशि का कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, तो भी जातक को कोर्ट केस की विनिंग में भी समस्या आती है, क्योंकि ये राशियां ऐसी हैं जो जातक को सामने वाले को इन्हीं चीजों में उलझाए रखती हैं, उन्हीं चीजों को फंसाई रखती हैं। इनका काम ही है मोक्ष की राशि, इनका काम है कि या तो आप मेरे पास आ जाओ, या तो मेरे एट्रीब्यूट को यूज करो, नहीं तो मैं आपको यूज करूंगी। तो इनका सबसे अच्छा उपाय यही है कि यदि बारह नंबर राशि के लोग ऐसे केस में फंसे हुए हैं तो उन्हें बारह नंबर की राशि का मतलब है कि मीन का मतलब है मछली, उन्हें मछलियों को दाना डालना चाहिए, उन्हें समुद्र की यात्राएं करनी चाहिए, उन्हें समुद्र के पास जाकर समुद्र देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इस कानूनी परपेचों से बाहर निकालें। आठ नंबर राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का मतलब है कि ऐसी अग्नि जिसके पास कोई जाना नहीं चाहता, मतलब कोई शमशान भूमि की अग्नि, तो ऐसे जातक को यदि किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार में जाना चाहिए, और अंतिम संस्कार में जब वो अग्नि जल रही होती है तो वहां उसको प्रेरित करनी चाहिए कि मेरे को कानूनी परपेचों से बाहर निकालो, या फिर शमशान भूमि में जाकर हरे ग्रीन कलर के पौधे लगा देने चाहिए, या वहां पे शमशान भूमि में कोई वाटर कूलर भी वो पानी की सेवा भी कर सकता है, या वहां पे कोई लोग आते जाते रहते हैं तो उनकी वो सेवा करता है, तो भी ऐसे जातक के लोग इस कानूनी परपेचे से बाहर निकल जाते हैं। चार नंबर की राशि, चार नंबर के लोग जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं, वो इमोशनल में आकर ना कहीं भी साइन कर देते हैं, उनको साइन करने में ज्यादा देर नहीं लगाते, इसी कारण से वो डॉक्यूमेंट के कारण से उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए कि वो उन्हें गंगा मैया के पास हरिद्वार में टाइम टू टाइम जाना चाहिए, अमावस्या के दिन जाना चाहिए और वहां पर जाकर स्नान करना चाहिए, और गंगा माता से उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इन तकलीफों से या हमें इन कानून परपेचों से हमें बाहर निकालें। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी है। जिन लोगों को ये समस्या है वो इसका हल निकाल सकते हैं, आपकी आपकी जो जानकारी उनके लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। बिल्कुल साथ ही आचार्य जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर पाप ग्रह के बारे में हमने सुना है, ये पाप ग्रहों का असर क्यों देखने को मिलता है? देखिए, पाप कौन कौन से होते हैं? शनि, राहु और केतु। शनि, राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो पाप ग्रह हैं, जिन्हें पाप ग्रहों के रूप में जाना जाता है, जिन्हें सेपरेशन के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें पृथ्वीकरण के रूप से भी जाना जाता है, और देवताओं में मंगल ग्रह भी एक ऐसा ग्रह है जिसे सेपरेशन या पृथ्वीकरण के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि शनि, राहु और केतु, या जिसमें मंगल भी बात कहें, तो ये चार ग्रह ऐसे हैं क्योंकि इनकी ना कोई फैमिली नहीं थी, इनकी लाइफ में इन्होंने ना इन्होंने हमेशा सामने वाले के लिए काम किया है, इन्होंने लाइफ में जिसे इसे बोलना कि दुख ही दुख देखे हैं, इन्होंने लाइफ में अपने लिए कभी सुख देखा ही नहीं है, तो इनके लिए लाइफ में मेहनत करना या एक ऐसा ग्रह है जिसका काम ही यही है कि मैं लड़ रहा हूँ लेकिन अपने लिए नहीं, सामने वाले के लिए, चाहे वो राहु है, चाहे वो केतु है, चाहे वो शनि है। तो इनके ये ग्रह यदि वो ऐसे भाव में जाके बैठ जाए जो खुशी, तो खुशी से आपको प्रतिकरण कर देते हैं। अब खुशी के भाव कौन कौन से होते हैं? जैसे फोर्थ हाउस, हमारे घर का है जहाँ पे पाप ग्रहों का कोई काम नहीं है,
पाप ग्रहों का काम कहाँ है, जहाँ आपको उपचय भाव, 3 नंबर भाव, 6 नंबर भाव, 10 नंबर भाव, 11 नंबर भाव, मतलब यहाँ पे पाप ग्रहों का काम है। यदि यहाँ पे सौम्य ग्रह कर बैठ जाते हैं तो आप सामने वाले के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते हैं, सामने वाला आपको दबाता रहता है। सेवंथ हाउस शादी का भाव है, यहाँ पे पाप ग्रहों का कोई भाव कोई काम नहीं है। यहाँ पे यदि पाप ग्रह आकर बैठ जाते हैं तो आपका जो मैरिज लाइफ है वो खराब हो जाती है, मैरिज लाइफ के परपेचों में कानूनी मतलब कार्यवाही में फंस जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पाप ग्रहों का भी एक स्थान दिया गया है पराक्रम का, जिसे आप देखो ना, जो जितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, इनके पाप ग्रह वही बैठे हैं जहाँ इनको बैठना चाहिए। और यदि किसी की मैरिज लाइफ खराब है या किसी की जो घर की जिंदगी खराब है या पैसे से, जैसे पैसे का संबंधित भाव है, दूसरा भाव जो पैसे की इनकमी का भाव है, वहां पे भी पाप ग्रहों का कोई काम नहीं है। यदि वहां पे पाप ग्रह बैठ जाते तो आदमी की सेविंग नहीं हो पाती है, आदमी लाइफ में हमेशा परेशान रहता है। तो उपचय भाव मैंने आपको बोला कि 3, 6, 10 और 11 ये ऐसे भाव हैं, ये पराक्रम के भाव हैं, ये आपके कार्यस्थल के भाव हैं, ये आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के भाव हैं। और यहाँ पे यदि उपचय भावों में यदि पाप ग्रह कर बैठ जाते हैं तो लाइफ में आप कोर्ट केस हो जाता है तो भी आप जीतते हैं। और यदि आपके ऊपर आप निडर होते हैं, आप साहसी होते हैं, आप किसी से डरते नहीं हैं और आप अपनी लाइफ में खूब अच्छे अच्छे डिसीजन लेते हैं, खूब बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं और उन डिसीजन के ऊपर आप विनिंग भी करते हैं। तो यदि पाप ग्रह है, मैंने आपको बोला कि पाप ग्रहों का भी कुछ निश्चित कोई निश्चय कोई भाव होते हैं, यदि उन्हीं में वो बैठे हैं, यदि वह सौम्य ग्रहों के सौम्य भावों में बैठ जाएंगे तो वह भाव वह पापी ग्रह अच्छे नहीं है। तो पापी ग्रह कहने का मतलब हमेशा बुरे नहीं होते हैं, पापी ग्रह भी हमें चाहिए, पापी ग्रहों की सपोर्ट भी हमें चाहिए, लेकिन कब, जब वह अपने अच्छे कभी अपने उन्हीं भावों में बैठे जिन भावों में बैठने के लिए वो बने हैं। बिल्कुल आचार्य जी, साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमने ऐसे बहुत सारे मामले देखे हैं जिसमें जातक का जो है जेल जाना तय होता है, लेकिन बावजूद उसके वो जेल नहीं जाना चाहता, क्योंकि ऐसे कई मामले हो जाते हैं कि उन्हें फांसी की सजा या जेल जाना उनके लिए निश्चित हो जाता है, तय हो जाता है, लेकिन वो जाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम अपना पश्चाताप करें और जेल ना जाए और ना ही फांसी पे चढ़े। तो इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो, या तो वो कर सकते हैं या उसके परिवार में ऐसा कोई उपाय जो उनके लिए अच्छा सिद्ध हो। मैंने आपको बोला कि आपकी दशा 3, 8, 12 का 3, 6, 8, 12 का बहुत स्ट्रॉन्गली प्रॉमिस दे देती है और उसका उसके ऊपर पापी ग्रहों का भी उसकी सपोर्ट मिल जाती है और कोई भी सौम्य ग्रह उसके आसपास भी नहीं है, उसके ऊपर से गोचर नहीं कर रहा है, तो फिर आपको ऐसा देखा जाता है कि इसे बहुत कम चांसेस है कि आपको कोई बचा सकता है। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जाना तो कोई भी नहीं चाहता जेल, कौन जाना चाहता है, लोग 100 मर्डर करके भी जेल नहीं जाना चाहते हैं, कोई फांसी पे नहीं चढ़ना चाहता है सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम उपाय करके हम इन चीजों से बच सकते हैं। मैंने आपको बोला कि उपाय से हम सिर्फ भगवान से एक प्रार्थना कर सकते हैं, हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें इन चीजों से बाहर निकालिए, कि हम ये दोबारा नहीं करेंगे या दोबारा हम ये काम नहीं करेंगे। तो करना या नहीं करना ये भगवान का भी लास्ट डिसीजन होगा। हम तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि आप ये काम कीजिए तो आप इससे आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन हम कोच और गाइडेंस के रूप में काम करते हैं जिसमें हम आपको बता देते हैं कि हाँ ये आपकी कोर्ट किसकी तारीख हो सकती है, आप संभल कर चलिए, आप एक अच्छा वकील कीजिए, आप अच्छी चीजें अपने लाइफ में कीजिए या ये चीजें दोबारा नहीं कीजिए, आप ये फंस सकते हैं। अभी कल ही मेरी किसी रात को ही कोई 10 बजे किसी पुलिस वाले का फोन आया, कुछ जैसे करके बड़ी समस्या चल रही है तो क्या लग रहा है, तो मैंने बोला कि अभी आपके साथ कुछ षड्यंत्र होने वाला है या षड्यंत्र हो भी सकता है, क्योंकि आपके जो छठा घर है वहां पे राहु अपना सिग्निफिकेंट बहुत मजबूती से दे रहा है और साथ में 5 और 9 किसी की जॉब लगना जो परमानेंट होगी तो 6, 7, 10, 11 का प्रॉमिस होगा, और जब किसी की जॉब जाने वाली होगी तो 5 और 9, 5 नंबर हाउस और 9 नंबर हाउस ये सिग्निफिकेंट दे रहा होगा कोई दशा या दशा, तो उसका मतलब आपकी जॉब जा भी सकती है। तो मैंने बोला कि आपको साथ से षड्यंत्र हो सकता है तो आपकी जॉब भी जा सकती है और आपको जेल जाने के भी योग हैं। तो ये योग जब मजबूती से बन जाते हैं पूजा जी, तो इसके लिए हम ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि उपाय तो कर सकते हैं लेकिन आप कुछ आपकी लाइफ में कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई काम करते जा रहे हैं और आपको मैंने बता दिया कि ये ठीक है, ये 5 किलो चावल मंदिर में देके आओ, 10 किलो दो, उसके बाद में आपने सावधानियां छोड़ दी और आप बोलो कि आचार्य जी आपने बोला था आपके साथ कुछ नहीं होगा और ये सब कुछ हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको एस्ट्रोलॉजी ने आपको सावधान कर दिया है, आपको चीजें बता दी हैं, तो आपको भी अपनी लाइफ की केयरिंग करनी है। मैं आपको कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी चमत्कार नहीं है,
एस्ट्रोलॉजी एक गाइडेंस है, एस्ट्रोलॉजी एक कोचिंग है। इसको आप वैसे ही देखिए जैसे बीमार हो जाते हैं तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप वहां से दवाई लेते हैं या डॉक्टर आपको ऑपरेशन करने के लिए बोलता है। तो जनरली आपने ये भी देखा होगा कि 1000 में से कुछ एक दो केस ऐसे भी होते हैं जब पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो एस्ट्रोलॉजी को चमत्कार ना मान के एक कोचिंग के रूप में, एक गाइडेंस के रूप में लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। बिल्कुल आचार्य जी, आपने सही कहा कि इसे चमत्कार ना मान करके हम इसे एक गाइड के तौर पर भी काम कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं और हमारे करियर में होने वाली समस्याओं से पीछा छुड़ा सकते हैं, परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। साथ ही आचार्य जी, ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिसमें कई बार जातक को क्या होता है कि दूसरों के मामले में पढ़ने का ज्यादा ही इंटरेस्ट होता है, कह सकते हैं कि रुचि होती है वो, मतलब की लड़ाई भी हो जाती है, झगड़ा भी हो जाता है, तो एक दूसरे को समझाने सा लग जाता है, उसकी आदत सी होती है, किसी किसी जातक की उसके पीछे कोर्ट कचहरियों के मामले हो जाते हैं। तो ये योग कैसे बनते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूजा जी। मैं बताना चाहूंगा कि धोखा मिलने का योग और धोखा देने का योग, यह भी कुंडली में एक योग होता है कि आदमी को धोखा मिलता है। जब भी कुंडली में राहु नीच का होता है, राहु नीच का कब होता है? जब राहु 12वें घर में होता है या जब राहु 9th हाउस में होता है, और या फिर राहु की युति या कंजक्शन पापी ग्रहों के साथ में हो जाती है और ऊपर से पापी ग्रहों का इसके ऊपर से गोचर हो जाता है। तो जातक किसी की हेल्प करने जाता है या किसी की मदद करने जाता है तो उसकी तो मदद हो जाती है लेकिन वह खुद उसमें फंस जाता है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी की मदद करते हैं तो मदद करने के बाद यह भी होता है कि मदद करने लेने वाला ही उसे फंसा देता है। तो ये सब योग तब बनते हैं जब राहु उसका नीच का होता है। तो मैं बताता हूँ कि राहु नीच का कब होता है? जब राहु 12th हाउस में होता है, जब राहु 9th हाउस में होता है। तो इन दोनों की वजह से अक्सर आदमी जातक के साथ अच्छा होता ही नहीं है। वो किसी का अच्छा कर भी देता है तो अच्छा करने वाला उसको गारंटर लेने लग जाता है। वो किसी को पैसा भी उधार दे देता है तो सामने वाला उसको अपनी इनकम समझता है कि मुझे इसका पैसा लौटाना ही नहीं है, ये तो मेरी इनकम थी। उल्टा वो पैसे मांगता है तो उसके वो उसको परेशानियां खड़ी कर देता है या उसके ऊपर कोर्ट केस कर देता है। तो ऐसा तभी होता है जब राहु नीच का हो जाता है। और राहु नीच का होने के साथ में ये समस्या और बड़ी कब हो जाती है? जब राहु की कंजक्शन नीच ग्रहों के साथ में या पापी ग्रहों के साथ में हो जाए और ऊपर से पापी ग्रहों का या नीच ग्रहों का गोचर भी उसके ऊपर से चल जाए। तो ऐसा जातक परेशानियां, किसी की मदद करे या हेल्प करे तो उसके खुद ही फंस जाता है। बिल्कुल, इसी के साथ ये भी हमारा जानना जरूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी पार्टी होती है, पैसे वाली पार्टी होती है, खूब पैसा लगाती है केस को जीतने के लिए, बावजूद उसके हार जाती है, ऐसा क्यों देखा जाता है? जी ये देखो, ये मैंने आपको पहले बोला कि जो जजमेंट है वो शनि है। लास्ट में किसी भी चीज की जजमेंट करने का काम सैटर्न शनि देवता के हाथ में है। शनि, अब देखो, एक शनि देवता ही ऐसा ग्रह है जिसमें जब शनि आपका एक्टिवेट हो जाता है तो आप दो तरीके से काम करते हैं, आपके मन में चलाकी भी आती है और आपके मन में ईमानदारी भी आती है। तो शनि पहले आपके मन में चलाकी लेकर आता है कि चाहे वो जज है, चाहे वो जातक है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, आप देखिए कि सामने हमें को दो चीजें दिखती हैं। तो कभी कभी हमारे मन में ना एक लालच आ जाता है कि अरे मैं ऐसा कर लें, कौन देख रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि शनि सबसे पहले आपके मन में लालच लेकर आएगा, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो चीजों का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाहे वो मैं हूँ। कभी कभी मैं भी देखता हूँ जातक के पास में बैठ जाते हैं, या कभी कभी कोई लोग ऐसे लोग हैं जो बड़े काम पैसे वाला काम करते हैं। तो शनि का काम यही है, सबसे पहले पैसे का लालच देना, सामने वाले का मन लुभाना। शनि देवता ये चाहते हैं कि इसको मैंने लालच दिया तो अब ये कितना लालच में, और वही यदि जब ये शनि देख लेता है कि पैसे के लालच में फंस गया तो वही शनि उसको पैसे के लालच में फंसा कर उसे फंसा देता है। आप बात समझ रहे हैं? तो शनि न्याय का भी देवता है, लेकिन न्याय के देवता के साथ साथ वो लालच का भी देवता है। आप बात समझे, ये आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने आज तक नहीं बताया होगा, ये आपको बताएगा भी नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि शनि पहले आपको लालच देगा, आपका प्रलोभन देगा। जो मन में आपके लालच उठता है वह भी शनि के कारण ही उठता है, और शनि न्याय का देवता भी है, और शनि न्याय का प्रिय भी। तो वो कहते भी तूने लालच किया, लालच बुरी वाला है, तो अब मैं तेरे को न्याय दूंगा, वो मैं तेरे अगेंस्ट में नहीं होगा, तेरी फेवर में नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि वो जाते पैसे भी लगा देता है पहले, और उसको ये लगता है कि मैंने पैसे दे दिए मेरा काम हो जाएगा,
ये मैंने काम कर लिया, मेरा काम हो जाएगा, मैं चैन की नींद बैठ जाऊंगा, तो भैया काम वही होगा जो शनिदेव बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पैसे देके आप सेफ हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज आपने क्वेश्चन किया तो मैं आपको, ये मैं कभी किसी को बताता नहीं हूँ जल्दी से, लेकिन आज आपने क्वेश्चन किया तो मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अधिकांश तौर पर गूगल पे पढ़ते हैं या कहीं पर भी देखते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। अब जब हम लाइव के जरिए, साधारण न्यूज के जरिए हमारे दर्शकों को ये बता रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है कि उन्हें इतनी अच्छी जानकारी मिल रही है। आचार्य जी, आपको क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, या आज की जनरेशन को क्या बताना चाहेंगे कि कैसे हम एस्ट्रोलॉजी की मदद ले सकते हैं, कैसे हम कानून में भी उसकी सहायता ले सकते हैं, और सहायता ले तो कैसे ले, कैसे पहचाने कि हमें सही एस्ट्रोलॉजर ने सही जानकारी दी है? देखिए, आज आपने एक वर्ड यूज किया, भ्रम। भ्रम जो पैदा करता है, इल्यूजन जो पैदा करता है, वो भी राहु पैदा करता है। राहु का काम ही यही है कि सामने वाले के मन में इल्यूजन पैदा करना, सामने वाले के मन में भ्रम पैदा करना। और जो अध्यात्म का काम है, जो सत्य का काम है, जो आदमी को सत्य के रास्ते पे लेकर जाता है, वो है केतु। आज देखिए कि आज यदि मैं वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो 50% लोग ऐसे हैं जो भ्रम में फैले हुए हैं। उन्हें पता लगता है कि दुनिया में मालूम नहीं क्या है, हम क्या ले लेंगे, क्या जीत लेंगे और क्या लेके जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे पाप बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे भ्रम बढ़ता जा रहा है, वैसे आप देखोगे दूसरी तरफ अध्यात्म भी बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोग सत्य के रास्ते में भी बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोग देखो आप मेडिटेशन के बारे में या ऐसी ऐसी चीजें भी उसके पैरेलल ही बढ़ती जा रही हैं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि राहु और जो केतु है वो 50-50 है। ऐसा नहीं कि भ्रम बढ़ेगा तो अध्यात्म नहीं बढ़ेगा, अध्यात्म भी बढ़ेगा और साथ में इल्यूजन और भ्रम भी बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहु केतु के ऊपर ज्यादा हावी रहता ही रहता है, जो जितना अध्यात्म में भी फैल जाता है वो भी भ्रम में आ जाता है एक टाइम के बाद। तो मैं आज के युवाओं को ये एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी आपके लिए कोचिंग और गाइडेंस का काम करना चाहती है कि आप लाइफ में क्या करें, आप लाइफ में क्या नहीं करें, आप कौन सा प्रोफेशन चुने, कौन सा प्रोफेशन ना चुने। आपने देखा होगा कि कुछ लोग भाग्य के बहुत ज्यादा धनी होते हैं। जो भाग्य का भाव है वो 9th हाउस है, 9th हाउस का स्वामी यदि 10th हाउस में जाकर बैठ जाए, 11th हाउस में जाकर बैठ जाए, 2nd हाउस में जाकर बैठ जाए, वो इसमें किसी की गलती तो नहीं है। तो ऐसा आदमी बहुत सारा भाग्यशाली बन जाता है, भाग्यवान बन जाता है। वो कोई भी काम कर ले, भाग्य उसका साथ देता है। और ऐसे ही 9th हाउस का स्वामी 8th हाउस में जाकर बैठ जाए, 12th हाउस में बैठ जाए और 6th हाउस में बैठ जाए, तो ऐसा आदमी भाग्य से वंचित हो जाता है। भाग्य को मान लो कि भाग्य उसका साथ नहीं देता है, वो एक ही काम को 10 बार करेगा तब उसका काम जाकर सफल होगा। तो ये आपके भाग्य को जानना बहुत जरूरी है। यदि आपने उन घरों के उपाय नहीं किए या उन चीजों को से बाहर नहीं आए तो आप सारी उम्र अपने भाग्य को कोसते ही रहते हैं। इसी प्रकार से आपको कौन सा ग्रह या कौन सी चीजें पैसा देंगी कि आप दूसरे भाव से माध्यम से जान सकते हैं, और आपको लगता है कि आपको एकदम से पैसा कमाना है 100 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, तो जहाँ पे 11th राशि बैठी होगी, 11th राशि कुंभ राशि बैठी होगी, कुंभ राशि के दो मालिक हैं, एक शनि और राहु। आज के देवता में दो ही ऐसे देवता हैं, दो ही ऐसे ग्रह हैं जो आपको सबसे ज्यादा पैसा देंगे। और आपको लगता है कि आपके पैसे को मल्टीपल करना है तो 11 नंबर राशि जहाँ बैठी हुई है उस हाउस का सिग्निफिकेट रखकर आप काम करें, उससे रिलेटेड आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो पैसा है वो मल्टीप्लाई होने लग जाएगा, चीजें आपकी फेवर में होने लग जाएंगी। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी आपको यही गाइडेंस करती है, यही कोच करती है आप कहाँ जाएं और क्या नहीं जाएं। अब एक स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कल अपने एक स्पोर्ट्समैन पर काम का बात करेंगे कि एक अच्छा स्पोर्ट्समैन कैसे बनता है। एक बैट्समैन है वो स्लो खेलता है और एक बैट्समैन है वो फास्ट खेलता है, वो चौके छक्के मारता है, तो कैसे देखेंगे इसका भी मैं आपको कल अपने स्पोर्ट्समैन के ऊपर एक लेंगे। एक अच्छा खिलाड़ी और एक खिलाड़ी, वो अच्छा खिलाड़ी कैसे बनता है और एक खिलाड़ी का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, ऐसे क्या कारण रहते हैं कि जब वो ट्रायल पे होता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन जब वो उसकी टाइम आता है कि परफॉर्मेंस चेक कराने का, वो अच्छे से परफॉर्म या अच्छे से टेस्ट नहीं दे पाता है, या अच्छा टेस्ट देने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मतलब भाग्य उसका कैसे साथ नहीं देता, कैसे उसके साथ प्लानिंग होने लगती है, कैसे आदमी के साथ प्लानिंग होने लगती है। अभी आपकी एक बात और बताता हूँ मैं आपको कल की, मैं अभी मुंबई में हूँ, मैंने यहाँ पर अभी कल 10 से 12 केस मैंने देखे तो उसमें देखा कि जातकों और लोगों को ये बहुत बड़ा वहम है कि हमारी राहु की दशा चल रही है। लोगों को इसमें डराया गया है कि राहु आपकी दशा चल रही है तो आपके साथ बहुत बड़ा खराब होने वाला है, और राहु के लोग उपाय कर रहे हैं, राहु के सूखे नारियल पानी में भागे जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ पूजा जी, राहु से डरने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा पैसा देता है वो शनि और राहु ही दे रहे हैं। आपको ये देखना है कि राहु सिग्निफिकेटर क्या दे रहा है, राहु आपको कौन से भाव के रिजल्ट दे रहा है,
राहु तभी बुरा है यदि वो खराब ग्रहों के चल दे रहा है, तो वो राहु नहीं हो सकता, वो सूर्य भी हो सकता है, वो चंद्रमा भी हो सकता है, वो मंगल भी हो सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि राहु ही खराब देगा, खराब घर है, खराब फल वो देगा जो खराब सिग्निफिकेटर देगा, खराब भावों में जाकर बैठेगा तो वो खराब भाव देगा, वो खराब जल देगा। ग्रह कोई भी खराब नहीं है, राहु शनि केतु में आप अरबों खरब रुपए कमा सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, आज के विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इसी तरह जैसा कि आपने बताया कल के विषय के बारे में फिर से हम बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।